नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेट इन्फोवेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ गोदावरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों, यह ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन से हैदराबाद तक जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 127/27। यह ट्रेन 12 घंटे 25 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है और टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो है 699 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सारे दिन चलती है, यानी कि डेली ट्रेन है। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। फर्स्ट एसी का किराया है 2535 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 1505 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1060 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 400 रुपये, अनरिजर्व जनरल डिब्बे का किराया है 210 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। यह ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन से हर रोज़ शाम के 5:20 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है धुबवाड़ा, जहाँ पर यह 5:51 पर शाम को पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है एनक्कपल्ले स्टेशन, जहाँ पर यह 6:08 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन आता है वो है इलमंचली, जहाँ पर यह 6:28 पर शाम को पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों नरसिंहपट्टनम रोड, जहां पर ये शाम के 6:43 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है टूनी, जहां पर ये 7 बजे शाम को पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है अन्नावरम, जहाँ पर यह 7:13 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों पीठापुरम, जहाँ पर यह 7:32 पर शाम को पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है सबलकोट जंक्शन, जहाँ पर यह 7:44 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन आता है वो है अरना पार्टी, जहाँ पर यह 8:05 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है राजामुंदरी, जहाँ पर ये 8:35 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों निडाड़वल्लू जंक्शन, जहाँ पर ये 9:00 पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है टेडमपल्ली गुडम, जहाँ पर ये 9:19 पर रात को पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है इल्लूरू, जहाँ पर ये 10:00 पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है विजयवाड़ा जंक्शन, जहाँ पर यह 11:30 पर पहुँचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है खम्बम स्टेशन, जहाँ पर यह 1:13 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन आता है दोस्तों वो है महबूबाबाद स्टेशन, जहाँ पर यह 2:00 पहुँचती है और इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है वारंगल स्टेशन, जहाँ पर यह 2:40 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है काजीपेट जंक्शन, जहाँ पर यह 3:05 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन पर पहुँचती है सिकंदराबाद जंक्शन पे सुबह के 5:45 पर और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन हैदराबाद डेकन नम पली
पर पहुंचती है 6:15 पर और 5 प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।